आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर यूपी के मिर्जापुर में किसान भी खुद को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने की दिशा में नया उदाहरण पेश कर रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर चुनार क्षेत्र के सीखर ब्लॉक में देखने को मिल रही है, जहां बरसों से घाटे का सौदा बने खेत अब पपीते की फसलों से किसानों को न केवल आत्मनिर्भर बना रहे हैं बल्कि मालामाल भी कर रहे हैं। जहां कोरोना काल ने हर किसी के हौसले पस्त कर दिए थे, वहीं हमारे अन्नदाता पूरी मेहनत से अपने खेतों में काम कर रहे थे, जिनकी मेहनत यूं रंग लाई कि पपीते की लहलहाती फसल तैयार हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर के सीखर ब्लॉक के उन्हीं मेहनती किसानों में से एक किसान मनोज कुमार सिंह की, जिन्होंने आपदा को अवसर में बदलने का कमाल कर दिखाया। तो अपने आप को कोरोना काल में अवसर में बदल दिए इसको? हाँ हाँ, तो अवसर में बदल दिए। बैठे हुए थे कोरोना काल में, हुआ कि कुछ नया किया जाए, तो हुआ कि नया जो है केले पपीते की खेती जो है किया जाए जो है। दरअसल मनोज सिंह ने जून के महीने में लगभग 80,000 की लागत के साथ 4 बीघे खेत में पपीते की खेती की, जिसकी वजह से जिस खेत से पहले उन्हें 40 से 50 हजार की इनकम हुआ करती थी, वही उन्हें इस बार 1.5 से 2 लाख तक की कमाई हुई है। वहीं मनोज सिंह ने बताया कि कोरोना काल में घर बैठने के बजाय उन्होंने पुरानी खेती छोड़कर नए तरीके से खेती करने का मन बनाया। पहले की खेती में उन्हें जहां 40 से 50 हजार की इनकम हुआ करती थी, वहीं अब उसी खेत से 6 से 8 लाख कमाने की उम्मीद के साथ अपने 4 बीघे के खेत में पपीते की खेती करने का फैसला किया। इसमें लागत तो सर जी जो है 80,000 रुपया लगा हुआ है 4 बीघे में। कोरोना काल के बाद 10 मई का जो है इसका नर्सरी पड़ा था, 18 जून का प्लांटेशन है 2020 का। क्या अनुमान है पैदा का? पैदा का अनुमान नहीं है कि इसमें भी 1.5 से 2 लाख रुपया बीघे के हिसाब से इसमें प्रॉफिट होगा। वहीं जिला कृषि उद्यान अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे जिले में लगभग 400 बीघे के आसपास पपीते की खेती की गई है, जिसके लिए उद्यान विभाग सभी किसानों को अनुदान दे रहा है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पपीता है, और यहाँ पपीते की खेती की गई है, और ये पूरनपट्टी गांव है जो मिर्जापुर का है, शिखर ब्लॉक है इसका। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इस गाँव और बगल गाँव में, दो ही गांव में लगभग 200 बीघे के आसपास खेत लगे हुए हैं पपीता। पूरे अगर जिले की बात करें तो लगभग 400 बीघा के आसपास ये पपीता लगा हुआ है। पपीता में एक थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे कि जो लोकल वैरायटी हमारी है वो हमारे यहाँ बहुत सक्सेस है। थोड़ा जो जैसे रेड लेडी है, उसमें ये होता है कि उसकी जो उसमें मोजैक बहुत लग जाता है, इसलिए उसको थोड़ा सा हम लोग अभी उतना प्रयोग नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि 23,000 प्रति हेक्टेयर किसान को बिल वाउचर जमा करने पर डीबीटी के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है, और इस पे किसानों को जैसे लगा लिए, लगाने के बाद बिल वाउचर देते हैं तो गवर्नमेंट उनको पेमेंट कर देती है, हम लोग पेमेंट इनको उनके खाते में सीधे कर देते हैं। कितना अनुदान कैसे करते हैं? देखिए, एक किसान को लगभग 23,000 के आसपास हम लोग उनके खाते में हम डाल देते हैं, जैसे उनका अपना खाद बीज का जो होता है ये पैसा उनके खाते में हम किसानों को डाल देते हैं। सर, आपको कई जगह? साथ ही किसानों को अब कृषि नहीं बल्कि आधुनिक कृषि उद्योग के रूप में काम मिल रहा है। आप देखिए, ये कोरोना काल का ही देन है कि जो इतना मैंने अब कोरोना हुआ, थोड़ा सा लोग उनके पास कोई ज्यादा वो रहा नहीं कि कहाँ रास्ता नहीं रहा, तो सबसे बढ़िया यही कृषि दिखाई दी, तो इसमें इन्होंने नया नया किसान नया नया इनोवेशन किया, और आप देख रहे हैं ये पहली बार ये लगाए हैं, और देखिए कितना बढ़िया इनका उत्पादन होने जा रहा है इसका। शहर से अपने गांव लौटे लगभग 150 लोग अब आधुनिक खेती की नई सोच के साथ खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। तो कहाँ से आपको संपर्क किए, फिर कैसे हुआ? उद्यान विभाग से मिर्जापुर। तो क्या मिला वहाँ से आपको? हमको सब्सिडी भी मिला, बीज वगैरह पर सारे पूरा सब्सिडी मिला। कौन खेती करते थे वो? पहले जो है मटर मिर्च ही था, उसमें फायदा? अरे कुछ नहीं था उसमें, उसको ड्राप करके इसको किया गया नया खेती।